प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने का मौका मिलता है, वो हमें यही समझाते हैं कि हम असलियत को जाने, ये ना हो कि सिर्फ स्वप्न की ज़िंदगी जीते जीते ये सारी ज़िंदगी गुजार दें। इंसान का ध्यान जब सिर्फ बाहर की दुनिया में रहता है, बाहर की चीज़ों में रहता है, उन सब को असली समझते समझते वो अपना सारा समय उन चीज़ों में गुजार देता है। तो महापुरुष जब भी आए, उन्होंने समझाया है कि ये दुनिया है जिसे हम मन इंद्रियों के घाट पर अनुभव करते हैं, ये माया की दुनिया है, ये टेम्प्ररी है, कुछ क्षणों की है, सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं। तो हम उस दुनिया की ओर जागृत हों जो सदा सदा के लिए रहने वाली है, हम अध्यात्म की दुनिया की ओर जागृत हों। जब अध्यात्म की दुनिया की ओर जागृत होंगे, जब प्रभु की ज्योति और श्रुति का हमें अनुभव होगा, तो फिर हम अपने आप को किसी और से अलग पाएंगे नहीं, हम ये अनुभव करेंगे कि हम सब एक ही हैं। और जब हम ये अनुभव करते हैं कि हम सब एक ही हैं, तो फिर इंसान एक दूसरे का मददगार होना शुरू हो जाता है। रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम अपने आप को सद्गुणों से भरें। तो एक सद्गुण जो बहुत ज़रूरी है वो है निष्काम सेवा भाव का। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, गिव गिव एंड गिव, कि हम देते जाएं और देते जाएं, कि किसी के मददगार बने। इसलिए नहीं कि उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इसलिए कि उनकी मदद करके उनका दुख दर्द दूर होगा। और इस दुनिया में जिसका ध्यान रहता है, वो सोचता है कि अगर उसके पास कुछ है और उसने उसमें से कुछ दे दिया, तो उसके पास चीज़ें कम हो जाएंगी। अगर आपके घर में 10 सेब पड़े हैं, आपने 4 किसी को दे दिए, तो लगता है खाली 6 ही रह गए। लेकिन जो अध्यात्म का रूल है वो हमें ये समझाता है कि जब हम कुछ को देते हैं किसी भाव के बगैर कि हमें कुछ वापस मिलेगा, तो हमें जो तरक्की मिलती है, जो जो हमें फल मिलता है, वो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसीलिए निष्काम सेवा भाव पर बहुत जोर दिया गया। इस किस्म की ज़िंदगी जिसमें कि हम अपनी ओर से मदद सबकी करें, किसी को और ना समझें, उन्हें अपने ही समझें, जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं, कि किसी को और ना समझें, हर एक को अपना ही समझें। और ये जाने कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे की मदद करें। जब इस भाव से इंसान जीता है, तो वो देखता है कि उसकी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की बड़ी तेज़ी से आती है और उसके कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रभु को पाना अंदर की दुनिया में बढ़ना है, अभ्यास करना है, भजन सिमरन करना है, ताकि हमारे कदम अंदर की दुनिया में तेज़ी से बढ़ें। और अभ्यास हमारा बेहतर तब होता है जब ज़िंदगी में हलचल कम होती है। हलचल कम तब होगी जब हम सिमरन करेंगे। अगर ध्यान सारा दिन दुनिया की चीज़ों में रहा, तो वहाँ तो ऊंच नीच होती रहेगी। लेकिन जब ध्यान दिन भर अगर हमारा प्रभु की ओर होगा, तो हमें शांति मिलेगी, हम एक हार्मनी में रहेंगे,
एक ही पॉइंट जिसे बोलते हैं, ना ऊँच होती है ना नीच होती है। और फिर हम देखेंगे जब भी हम अभ्यास के लिए बैठेंगे ध्यान आसानी से टिकेगा और हम अंदर की दुनिया में अपने आप को तेज़ी से बढ़ते हुए पाएंगे।